शासन के निर्देश पर जनपद में लगाए गए आंशिक कर्फ्यू का असर शुक्रवार को देखने को मिला। महानगर के प्रमुख सड़कों व चौराहों पर भीड़भाड़ कम देखने को मिला है। महानगर के आरटीओ रोड, डीएम आवास रोड, आरटीओ चौराहा, यूनिवर्सिटी चौराहा, हरिओम नगर चौराहा पर आंशिक कर्फ्यू का असर देखने को मिला, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि महानगर के 41 जगहों पर चेकिंग प्वाइंट बनाया गया है और कोरोना कर्फ्यू का पूरी तरह से पालन कराया जा रहा है। एसपी सिटी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क लगाएं व सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें और पौष्टिक आहार लें। सबको मिलकर कोरोना महामारी से लड़ना होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, लॉकडाउन को लेकर के आज हम थोड़ी सख्ती कर रहे हैं। जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं उनका चालान किया जा रहा है और जो 41 चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं वहाँ पे ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं। उनमें अब हम सब इंस्पेक्टर्स की भी ड्यूटी लगा रहे हैं, एक सब इंस्पेक्टर भी रहेगा वहाँ पे ताकि वो चालान कर सके। और लोगों से भी यही गुजारिश है कि अपने जो भी कोरोना प्रोटोकॉल उनका पालन करें, मास्क लगाएँ, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। बैरिकेडिंग की गई है 41 जगहों पर, बैरिकेडिंग की गई है। वहाँ ड्यूटियाँ पहले भी लग रही थी, अब क्योंकि हमारा फोर्स काफ़ी कुछ वापस आ गया है तो हमने सब इंस्पेक्टर्स की भी ड्यूटी वहाँ पर लगाई है। कोई अपील लोगों से? लोगों से ये अपील है कि घरों में रहें, कम से कम निकलें घरों से बाहर, मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करें और एक पौष्टिक आहार लें, भाप लें। कोरोना के जो लड़ाई है उसमें सबको मिलकर ही लड़नी पड़ेगी, यही लोगों से अपील है।